असल में पता है क्या सीन हुआ, मेरा खिचड़ी खाने का दिल चाह नहीं रहा था, तो मैंने अपनी बहन से फरमाइश की कि मुझे नगेट्स फ्राई करके दे दो। दिखाओ दिखाओ भाई क्या क्या है इसमें। से ये चाहिए और इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें तो नगेट्स हैं, क्रॉकेट्स हैं, ये थोड़े से ये और थोड़े से फ्राइज भी भाई। अच्छा वैसे आपस की बात बताऊं, मैं ये सब चीजें बहुत कम खाता हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आज मुझे भूख लग रही है। इस वक्त बज रहे कोई रात का 12:30, तो बाहर जाने की हिम्मत है नहीं, मेरे पास कैश भी नहीं क्योंकि मेरा एटीएम कार्ड एटीएम में ही फंस गया था, तो भाई अब नगेट्स मजबूरी में खाने पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी भाई जो खाने पीने को मिले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करके खा लेना चाहिए। ये आप लोग के लिए भी था और ये मेरे लिए भी था। भाई थैंक यू मेरी बहन, थैंक यू। ये ट्रे जब आपका भाई खाएगा एक के कम कर लो, एक और कम कर लो, और इसकी जगह ये मैं फिश खाऊंगा, फिश खाऊंगा। ये बोलो ना मैं ये खाऊंगा। सो भाई सब जल्दी से ये आइटम फ्राई हो, फिर उसके बाद हम खाएं, फिर उसके बाद मैं खेलूंगा थोड़ा सा एक्सबॉक्स क्योंकि घर में सब सो गए। तो हे हम व्हाट्सएप, कैसे हो आप सब? सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपका भाई भी एकदम मस्त। यकीन करो उठते उठते इतना टाइम लग गया, लेकिन चलो खैर है कोई बात नहीं। और एक और मजे की बात भाई, नजर लगा दी भाई, मुझे रात भर इतना पेट में दर्द हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे फूड पॉइजन हो, लेकिन फिर भी अभी फूड पॉइजन हो या कुछ भी हो, एक्स वाई जी, हमें अपना काम करना है और इन दिनों बीमार पड़ के भी बीमार शो नहीं कराना है। सो आपका भाई रेडी शेडी हो चुका है, और जो असल मजे की बात है ना वो ये है कि भाई आपके भाई का वलीमे का ड्रेस अकेले का फाइनल नहीं होना, आपकी भाभी का भी होना है। चारी कही हुई थी सुबह से पेपर वेपर दे के आई है, थक गई होगी, बहुत गुस्से में होगी आज। अस्सलाम वालेकुम। और भाई कैसी हो? ठीक हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी ड्रेस को डन करने के लिए, मुझे भूख भी लग रही है। खाना तो खाते हैं, पहले ड्रेस डन करते हैं क्योंकि उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझसे वेट नहीं हो रहा कि आपका भी ड्रेस डन हो, फिर हम वहाँ से जब तारिक रोड जाएंगे तो हम कुछ अच्छा सा खाएंगे। भाई अभी पहले हमें जाना है क्लिफ्टन, देन उसके बाद हमें तारिक रोड जाना है, वहाँ पे हमने अपना वलीमे का ड्रेस डन करना। असल में मैं बनवा लेता बहुत पहले, लेकिन यार एक इशू होता है क्योंकि वो होता है पहले लड़की का ड्रेस डन होता है, फिर उसके हिसाब से लड़के का ड्रेस होता है। ये तुम लोगों की सही स्कीम है भाई, हम पहले कुछ कर ही नहीं सकते, हालांकि हम काम टाइम पे करते हैं सारे। अच्छा ये इतना बड़ा कोई सफेद झूठ है ना, इतना बड़ा कोई सफेद झूठ, सही बिल्कुल भी टाइम के पाबंद नहीं। मैं सुबह पेपर दे के भी मैं इनके घर पे आई हूँ, ठीक है, और यही हूँ बैठे हुए, कभी ये उठेंगे, फिर मैं इनके लिए जूस लेके आई, फिर राजा जी ने जूस पिया, फिर जूस पी के बोलने अभी उठता हूँ। गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो भाई अभी बड़ा लंबा रास्ता है, क्लिफ्टन जाना है। अरे फोन छुपा लो, फोन छुपा लो। तो चलो भाई फटाफट से पहुंच जाते हैं क्लिफ्टन। क्लिफ्टन जाने से पहले सोचा मैंने कि भाई हम अपना बारात वाला वेन्यू भी देख ले। हाँ भाई मजा आ रहा है, कैसा लगा वेन्यू? अच्छा इसने तक मैं सोच रही हूँ मैं ऐसे चलती हुई आ रही स्टेज पे। हाँ यहाँ स्टेज लगाएंगे हम और तुम यहाँ पे आना चलती हुई, और इसने फर्स्ट टाइम देखा ये वाला वेन्यू, तुम्हें पसंद आ गया ना? बहुत अच्छा, स्टेज हम वहाँ भी बना सकते हैं। लेकिन स्टेज पता है कैसे बनेगा? जो दिन हमारी उससे बात हुई थी, जैसे ये एंट्रेंस है ना, तो एंट्रेंस के ही बिल्कुल सामने बनेगा। नहीं 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 नहीं, ये बहुत छोटी जगह है यहाँ पे, मैं क्योंकि चल के आऊंगी ना, यहाँ पे जो मेरा डेकोर है ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पे पूरा पाथवे बनेगा, तो गेस्ट सारे इधर और इधर होंगे तो ये पाथवे ही बनेगा, तो मैं ऐसे चलती ही आ रही हूँ। और भाई आपके भाई ने तो एंट्री के लिए कुछ सोचा ही नहीं है, लेकिन बहुत जल्द सोच लूंगा क्योंकि भाई टाइम बहुत कम है। अंब्रेला वाले होड़ी की वो जो होती है ना बग्गी, इस पे करेंगे। नहीं 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 नहीं, ये जो जगह है ना यहाँ पे आपका भाई दूल्हा बनेगा। मेरा ड्रीम था कि ना मैं ना पालकी में एंट्री करूँ, लेकिन फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया, अब मैं वेल में एंट्री करूँगी। वेल क्या होती है? ये मछली? नहीं फिर? वो जो ऐसे सर पे दुपट्टा लेके अकेले दुल्हन चलती जा रही होती है। हाँ हाँ चलो आ जाओ, अब देर हो रही है, तो भाई चलते हैं वापस से शादी में दुल्हा दुल्हन पकड़म पकड़ाई खेलने। ले आओ मैं तुम्हें ब्राइडल रूम भी दिखाऊँ। देखो भाई ये है ब्राइडल रूम, यहाँ पे आप इजी होके बैठ सकते हो, यहाँ अपना मेकअप वगैरह फ्रेश करा सकते हो, और टीवी भी लगा हुआ है भाई। गुड गुड भाई, अलग काम था नहीं लेकिन फिर भी ये हो गया डन, तो अब चलते हैं सीधा फटाफट से क्लिफ्टन। अपनी गाड़ी कर दी यहाँ पे पार्क, और अब हम दोनों जा रहे हैं डिजाइनर के पास। तो भाई फाइनली हम लोग अपने डिजाइनर वाले आउटलेट पे पहुंच चुके हैं, एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर ड्रेसेस। क्या हुआ? यस पहला आउटलेट पे सामान नहीं था, तो अब जा रहे हैं दूसरा आउटलेट पे, और ये जो बैग मेरे हाथ में है ना, चल चलो 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 आ जाओ भाई। यहाँ क्यों खड़ी हो गई हो? अच्छा डमी हो तुम, बहुत ही कुछ सस्ती डमी है। तुम्हें कौन सा वाला अच्छा लग रहा है दोनों में से? ये कुछ यूनिक है, मतलब ये कलर अभी तक किसी ने पहना। मैं इस कलर का कोट पैंट पहनता अच्छा लगूंगा? नहीं नहीं आप इस कलर का थोड़ी पहने। मैं ब्लैक पहनूंगा। नहीं
ब्लैक क्यों पहनेंगे आप? कुछ क्रीम सा कुछ ऐसा पहनेंगे? क्रीम पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्रीम पर इतना अच्छा लगेगा ना, मैं आपको बताती हूँ। ये क्रीम फॉर एग्जांपल, ये क्रीम का एक शेड है आपके फेस पे ना, इसको इतना ज्यादा आपके फेस को ग्लो करेगा। सही सही मार्केट घूम रही है आजकल। चल पहन के देख लो ना, जो अच्छा लगेगा फिर वो तो मैं तो बनवा ही लूंगा। अच्छा लग रहा है इसके ऊपर कुछ नेवी ब्लू टाइप का, अगर चाहे तो शही नेवी ब्लू के साथ कंट्रास्ट भी कर इसका ऊपर। ये एक शही ने भी ट्राई कर ही लिया हाथ के हाथ। लेकिन गाइस मेरी कॉपी में इन्होंने भी ट्रायल फौरन शुरू कर दिया। जी मैंने यहाँ पे ट्राई किया तो इन्होंने फौरन बोला चलो मैं क्यों पीछे रहूं। मेरा ड्रेस तो दिखाया तुमने, अपना ड्रेस भी तो दिखाओ भाई। हाँ मैं रिवील ना करूँ तुम्हारे ड्रेसेस? ट्रायल चल रहा है रिवील क्या, आप अभी एक दो और ट्राई करेंगे फिर। अच्छा अच्छा, मेन वाला ड्रेस थोड़ी दिखा रहे हैं। ओके ओके, अभी फाइनली हमारे सारे काम हो चुके हैं यहाँ पे डन। और भाई अभी क्लिफ्टन से हमें जाना है तारिक रोड, तो तारिक रोड भी जल्दी से पहुंचेंगे। मगरिब से पहले सारे काम इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग कर देंगे डन। आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई, एक तो इतनी दूर गाड़ी पार्क करवाई है आपने। आइए 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 आइए, मैं समझा था शायद थोड़ी सी स्माइल आ जाएगी मुँह पर। बच्चा क्या है कहने को, चलो यार बस कुछ हो। हाँ आ रहे हैं कुछ खाने और मैंने लोकेशन लगा दी है। मैंने सर्च किया था कि बादाबाद में सबसे अच्छी बिरयानी कहाँ मिलती है, तो अब हम यहीं जा रहे हैं अल्लाह वाली बिरयानी जा रहे हैं, अच्छी सी मजेदार आलू वाली बिरयानी खाने। डाइटिंग शाइटिंग तो होती रहेगी, बिरयानी को यस करो। मुझसे बहुत तंग है गाइस, और टक टक फोन बज रहा है, टक टक स्टॉप, काम इतने, ये सब क्रॉप हो जाएगा मुझे पता है। 500 वापस दो। दे रहा हूं, दे रहा हूं। आप उड़ा दो लो। नहीं नहीं मैं खुद उड़ा लूंगा। हाँ। दे दो बस ये। तो भाई हमने परचेज करी है कुछ चुड़िया, और ये है कि मैं ये यहाँ पे इसलिए नहीं उड़ाई मैंने कि ये वापस पकड़ लेंगे, तो ये है कि कहीं अभी हम जाके ना हम दोनों उड़ाएंगे। सही है। I just don't like के कोई परिंदों को कैद करे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब तक हम गाड़ी चला रहे हैं भाई ये चुड़िया यहाँ पे फुल एंजॉय करेंगे। यार कहाँ से मिली है बिरयानी, कौन सी बिरयानी खानी है जल्दी बताओ। सीधा सीधा चलते रहे, बस आने वाली है। चलो शुक्र है तारिक रोड के करीब है ये बिरयानी। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अब यहाँ पे ढूंढना बड़ा मिशन है कि बिरयानी कहाँ मिलेगी। अरे यार ये तो गलियां हैं, सब फंस जाएंगे हम। चलो बिस्मिल्लाह कर लिया तो फिर चलो। अभी देखो कितनी कंजेस्टेड गली है, अब गाड़ी फंस ना जाए मुझे डर है। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, जब बेगम ने फरमाइश कर दी तो फिर कर दी। ये रे भाई साहब मिल गई, यही लगा देते हैं हाथ के हाथ। जल्दी से बताओ कौन सी बिरयानी खा रही है। आलू वाली बस। अच्छा एक आलू चिकन ला दो और एक बीफ ला दो। मसाला कैसा है? मसाला एक में चिकन वाली में तेज है और बीफ वाली में नॉर्मल है। इसको खिलाते हैं चिकन आलू और मैं सोच रहा हूँ कि आज हम बीफ ट्राई करते हैं। सो गाइस वी आर वेटिंग फॉर आवर फूड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो भाई अपनी चिकन, ये आ गई भाई हमारी बीफ बिरयानी। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ बीफ बिरयानी यहाँ की, लेट्स सी कैसी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ मजा आ गया भाई, मजा आ गया। चलो जल्दी अब नाउ योर टर्न। चलो गाइस जल्दी से फटाफट से बिरयानी खाते हैं। अबे भाई साहब इसमें से एक चुड़िया निकल के यहाँ सामने आ गई, कहाँ गई? अबे एक और निकल गई। सही ना करें यार, खाना खराब। एक और निकल गई, एक और निकल गई यार। एक सेकंड इसको तो मैं बंद करूँ पहले। एक सेकंड शीशा खोलता हूँ। जाओ 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 जाओ। ओए एक और आ गई, ओए एक और आ गई भाई साहब। शीशे खोल दो निकल जाएंगी। मुझे पता है परिंदों को पकड़ने में उलझन होती है। अः भाई साहब ये तो बड़ा मसला हो गया, अब उड़ के मुंह पे ना आ जाए तो बड़ा मसला हो गया। जा जा शाबाश बाहर जा यार, आज बिस्मिल्लाह करके पकड़ लेता हूँ। बिस्मिल्लाह रखवाने रहीं, जाओ आजा भाई, आजा भाई आजा। अः भाई साहब आज मैंने अपना डर निकाल लिया भाई। अबे फिर निकल गए भाई साहब, मैंने अपना डर निकाल लिया भाई आज। सही है मेरी जान, तूने खाना अजाब कर दिया यार, जा आजाद है तू, जा शाबाश। पीछे वाली भी उड़ा दे, पर चले वो भी खुल के आ जाए। चलो भाई ऐसे नहीं खोले, नहीं पूरी कौड़ी में आएंगी उतरे। तो भाई इनको भी आजाद कर देते हैं। अबे ये वाली है लास्ट, जाओ। सो भाई फाइनली अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जहाँ से आपके भाई का वलीमे का ड्रेस होगा डन। आ जाओ भाई, क्या हुआ तबीयत खराब हो रही है आपकी? बेचारी सो ही नहीं है ना पूरी रात, पढ़ 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 पढ़। लेकिन कोई बात नहीं भाई, थोड़ी देर का काम है, बस एक करके हम निकलेंगे। बस तो भाई साहब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अब यहाँ पे बैठ के हमने देखना है अपनी सिलेक्शन करनी है इसके ड्रेस के हिसाब से क्या अच्छा बन सकता है। मैं तो बोल रहा हूँ ब्लैक की तरफ ही जाएंगे। यार एम्बियंस वगैरह तो अच्छा बनाया भाई इसने। ग्रूम की वलीमा की ट्रायल चल रही है, समझ से बाहर है क्या करना है। ट्राई किया है इन्होंने और ये बहुत ही कोई अभी जो मैंने वेयर किया था वो तो मुझे समझ नहीं आया वलीमे वगैरह के हिसाब से, लेकिन ये है कि बनेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, अब बनेगा। खैर बनेगा तो बाद में, अभी चाय आ चुकी है तो चाय पीते हैं। आ जाओ बहुत नींद में यार। अरे चलो चाय तो एंजॉय करें। चलो जल्दी से फटाफट से चाय भी पी लेते हैं।
तो गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वलीमे के हम दोनों के ड्रेसेस हो गए डन और बस ये वाला काम जो था आज का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। सो गई? गुड नाइट। सो गई? ब्लॉग को लाइक कर। नहीं 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 नहीं, ओए मेरे गंदा हो गया यार ये। अच्छा चलो सो जाओ सो जाओ सो जाओ, आप सो जाओ, इसको तो साफ करूं। बोला ना सो जाओ तो सो जाओ। चलो जल्दी फटाफट से चलते हैं घर। तो भाई साहब हम लोग रास्ते में रुके थे, मैंने सोचा अपनी बेगम के लिए हम थोड़े से ये हीलियम वाले प्यारे प्यारे से बलून्स ले लें। भाई इसको अच्छा सा करके बना दो, ज्यादा नहीं करना बस। हो चुके हैं और ये दो और कर रहा है बस, ये चार बलून काफी है, इनफ है। ये तुम्हारे लिए मैं लेके आया हूँ गिफ्ट। हाँ ना अच्छा लगे आपको? नींद उड़ी? नींद उड़ी उड़ी जाए। ये मेरा छोटा सा बच्चा। तो चलो भाई जल्दी से फटाफट से इसको छोड़ के आते हैं। सो भाई सारे काम खत्म करके आपका भाई घर आ गया तो और लगी थी मुझे मस्त करके भूख। तो आपके भाई ने किया ऑर्डर पिज्जा और यहाँ चल रहा है फुल GTA 5, फुल पिज्जा पिज्जा खाते हैं, GTA 5 वगैरह खेलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ढेर सारा प्यार दिखा देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना भाई। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। पता नहीं क्या मसला चल रहा है यूट्यूब चैनल पे। तो ठीक है, कल फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय।